Can you tell us about regarding what happened today? Such a good initiative you have taken. See, basically, I want to do something for some noble cause, some social cause. When I met my bhabhi, Dipti Gandhi, so वहीं से बात आगे बढ़ी है ये. और मैं और जो मुस्कान फाउंडेशन डूइंग जो काम कर रही है फॉर मल्टीपल डिजिटल वर्क, तो मैं चाहता था कि हमारा भी कुछ इसमें सहयोग हो और एक उनको अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए. उनका एनुअल डे हमेशा बंद रूम में होता है, तो कुछ ओपन एयर में रहे, कुछ अच्छा खाना रहे, कुछ एंजॉयमेंट रहे, वही सोच के ये बात आगे बढ़ी है. ओके मैम, सच अ गुड इनिशिएटिव आपने लिया. मुस्कान फाउंडेशन दिव्यांग लोगों को लेकर सच अ गुड इनिशिएटिव लिया. व्हाट विल यू से? ये जो एनुअल है आज यहाँ पर रखा गया, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? अच्छा, तो इस साल हमने सोचा कि हमारा एनुअल डे कुछ अलग तरीके से हम सेलिब्रेट करें. और अंग्रेज़ी ढाबा के जो ओनर है राज सैडवलकर, उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया कि हमारे जो बच्चे बहुत गरीब फैमिली से आते हैं तो उनको कभी ऐसा देखना नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे रिक्शा है, एक छोटा सा ऑटो है और बहुत बहुत से बलून्स रखे हैं. तो वो हमारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारा एनुअल डे है और वैलेंटाइंस डे आ रहा है. तो इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव फ्रॉम अंग्रेज़ी ढाबा टू मुस्कान फाउंडेशन. अच्छा, मुस्कान फाउंडेशन बहुविकलांग बच्चों के साथ काम करता है. तो हमारे बच्चों हर एक बच्चे को एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, अपंगत्व है. और हमारे बच्चे ब्लाइंड और डेफ है, ब्लाइंड और सेरेब्रल पैल्सी है, ब्लाइंड और ऑटिज्म है. और हमारे पास स्पेशल एजुकेशन है, थेरेपी है, पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट कोर्स है. और हम अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं डिसेबिलिटी के बारे में. कितने बच्चे आपके पास में तो फाउंडेशन आते हैं और क्या ये कहाँ कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा कुछ बताइए. तो मुस्कान फाउंडेशन के 3 सेंटर्स है, एक वाड़ी हॉस्पिटल के अंदर है, एक बांद्रा में है, एक गोरेगांव में है. तो तीनों सेंटर्स में मिला के करीबन 120 बच्चे हैं हमारे पास. और हम स्पेशल स्कूल और थेरेपी दोनों वही सेंटर्स में करते हैं. आज यहाँ पर हो रहा है अंग्रेजी ढाबा पर, क्या है थोड़ा सा कुछ बताइए. हॉटल ढाबा के यहाँ पर आपने बच्चों के लिए समय दिया, क्या बताना चाहिए थोड़ा? सी बेसिकली अंग्रेज़ ढाबा इज़ अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट. यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट है, टेरेस है. और बेसिकली वैलेंटाइन डे जो आ रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ अंग्रेज़ ढाबा टू शो एक्सप्रेस इज लव टूवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस. डिसेबिलिटी जो बच्चे होंगे लोग उनसे कहीं ना कहीं एक परहेज रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सच गुड इनिशिएटिव फाउंडेशन भी ले रहा है, आप लोग क्या कहना चाहिए? उससे परहेज नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके हर चीज़ अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए. आप लोगों से क्या कहना चाहिए वैलेंटाइंस डे पर, लव के दिन पर, किस तरह से लोग इन बच्चों से मिले जा जिससे उन्हें भी अच्छा लगे और उनके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ हम उनके साथ हैं, एक सोसाइटी में एक अच्छा लवनेस एंड अफेक्शन जाए. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, अपंग बच्चों की तरफ देखने का जरिया लोगों का यही होता है कि उन पर दया आती है, इंग्लिश में जो कहते हैं पिटी. तो इस कार्यक्रम से अंग्रेज़ी ढाबा ने एम्पथी दिखाया है कि उनको क्या लगता होगा, और उन्होंने उनका प्यार जो है उस तरफ एक्सप्रेस किया है कि इट देर इज़ नो पिटी हियर, देर इज़ ओनली लव. और सुबह से मैं देख रही हूँ दे वांट टू गिव मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़. बलून्स रखे हैं, रिक्शा रखी है, छोटा ऑटो रखा है, खाना अलग अलग तरह का रखा है हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को खाने के लिए. हमारे टीचर स्टाफ भी आए हैं, तो उन्होंने बहुत सोच के ये प्रोग्राम पूरा प्लान किया है और 2-3 दिन से ये प्लान कर रहे हैं. हमारे टीचर्स ट्रेन टीचर्स हैं, उनको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI का ट्रेनिंग मिलके उनके पास लाइसेंस भी है. और हम ऑन गोइंग ट्रेनिंग देते रहते हैं उनको, क्योंकि हमारे पास बहुत डिसेबिलिटीज़ के बच्चे आते हैं. तो आफ्टर दे फिनिश दे ट्रेनिंग, हमारे पास आने के बाद भी हम कंटिन्यूसली उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं. उनके चेहरे पे किस तरीके की खुशी आती है वो आप
कैसा फील किया और आपने कैसा? ये बच्चे जो है ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो लोग उनको किसी और नज़रिए से देखते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को बाहर लेके नहीं जाते, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा है ना, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ मौका है कि कोई ऐसे उनको बोलेगा नहीं, वो अपने आप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो खुशी उनके चेहरे पे मुझे दिखाई दे रही है आज, वो बहुत कम दिखाई देती है। अच्छा, मैं खुद एक लो विजन कंसल्टेंट हूँ, और मैंने जब मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रही थी, तो मैंने देखा जो बहुविकलांग बच्चे होते हैं उनको बहुत तरीके की थेरेपीज लगती है, फिजियो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, विजन रिहैबिलिटेशन होता है, स्पेशल एजुकेशन। तो मुस्कान के पहले जब बच्चे ये थेरेपी लेते थे तो अलग अलग जगह पे जाते थे, तो मुस्कान का यही है कि एक ही छत के नीचे सभी थेरेपीज और बहुत कम पैसे में मिलते हैं। तो बाहर अगर आप जाएंगे तो एक एक थेरेपी का 500, 800, 1200 भी होता है, लेकिन हम खाली 100 रुपया में वो थेरेपी देते हैं। कई कई बच्चे जो बहुत गरीब हैं उनको तो 100 रुपये में सभी थेरेपीज मिलती है। और मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल की बात करें, स्टेट की बात करें, तो किस प्रकार से उनका कोऑपरेशन मिलता है, आपको मिलता है या नहीं मिलता है? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मुस्कान फाउंडेशन सचमुच एक मुस्कान लाने वाली चीज़ जो मेरे लाइफ में मेरे बच्चे के लिए मेरे मिले। मेरे गए 1.5 साल में मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस स्कूल से जुड़ा हूँ, और देखते देखते मेरे काफ़ी मेरे बच्चे में बदलाव इस मुस्कान फाउंडेशन के थ्रू आया, स्कूल से आया। उसके टीचर्स भी बहुत मेहनती है, जो सचमुच बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, और वहाँ से बहुत सारे बच्चों को चेंजेस मिले हैं। यही चाहता हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे आके अपनी मुस्कान लेके जाए। थैंक यू। बेटा है मिहिर नाम है उसका, तो बचपन से उसको मतलब हाइपर था और कुछ समझता नहीं था, मतलब 3, 4 साल का था, कुछ समझ भी नहीं आता। जब से मुस्कान में आने लगा है तो टीचर्स सब अच्छे, बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे से सिखाती है। मुस्कान फाउंडेशन के बारे में क्या जितना भी बोलो कम है, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। पेरेंट्स अच्छे, मतलब सब ग्रुप भी अच्छा है टीचर्स का, और यहाँ आके मतलब आएंगे तो कोई जाने का नाम नहीं लेगा, मतलब ऐसा इस तरीके से है स्कूल, बहुत अच्छे से। फाउंडेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी प्रकार की थेरेपी, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, विजन थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, आर्ट बेस्ड थेरेपी है, सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ताकि मल्टी डिसेबल बच्चा जब होता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुस्कान फाउंडेशन ने एक ही रूप के बीच सब दिया है, स्पेशल एजुकेशन दिया है, फिर थेरेपीज प्रोवाइड की है, तो पेरेंट्स को उससे बहुत मतलब मदद मिलती है। मैम आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ कुछ शेयर करना चाहिए, कैसा बच्चों के साथ आप डील करते हैं और लोगों की माइंडसेट चेंज किस तरह से की जाए, वो थोड़ा बता दें जी। मेरा नाम सरस्वती है, एज अ सेंटर हेड करके मैं काम करती हूँ। जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो बच्चे तो ऐसा डिसेबिलिटी होती है उनको, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने पेरेंट्स के लिए एक मैप एक्टिविटी करके रखा है, तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं और पेरेंट्स के हेल्प भी हो जाती है, प्रोफेशनल्स आते हैं अलग अलग, जो जैसा ऑटिज़म है, VI है, इस तरह से जो डिसेबिलिटीज कवर करते हैं, बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ADL की एक्टिविटी किसी सिखानी चाहिए, उस तरह से प्रोग्राम हम करते हैं। प्लस स्कूलिंग में हम उनको जैसे कॉग्निशन, सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन जो एरियाज है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ताकि बच्चों का जो नीड है वो खुद कंप्लीट कर सके, इंडिपेंडेंटली हो सके बच्चा। फाउंडेशंस टीचर्स के लिए ऑनगोइंग ट्रेनिंग रखते हैं, क्योंकि टीचर्स को नया क्या आ रहा है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में पता होने के लिए मुस्कान फाउंडेशन हर साल टीचर्स के लिए ट्रेनिंग रखते हैं, उससे टीचर्स को काफ़ी मदद मिलती है। ओके, ये प्रोफेशन से जुड़ना है किसी को, तो किस तरह से जुड़े आपके
प्रोफेशन से या मुस्कान फाउंडेशन। ओके, अगर मुस्कान फाउंडेशन के साथ आपको जुड़ना है किसी को भी, इसमें आप हाउसवाइफ भी जुड़ सकते हैं, वॉलेंटियर जुड़ सकते हैं, मेनस्ट्रीम की टीचर जुड़ सकती है, कैसे जुड़ना है इसके लिए हमारा, हमने अभी नया कोर्स शुरू किया है, उसकी अभी हमारी सेकेंड बैच स्टार्ट हुई है, तो उसमें हमने एक कोर्स ऐसा किया है कि सर्टिफिकेट कोर्स ऑन मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, तो उसमें हम सारे डिसेबिलिटीज़ कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कवर कर रहे हैं, जैसे ब्रेल कैसे होता है, साइन लैंग्वेज क्या है, टेलर फ्रेम अबैकस से आपको कैसे मैथ्स सिखाना है, ये सब उससे होता है, क्योंकि स्पेशल बच्चे के साथ अगर काम करना है तो आपको उनको कैसे संभालना है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये कोर्स में हम वो कवर कर रहे हैं। तो आप मुस्कान।